दीदी। नमस्ते गुड़िया। नमस्ते। नमस्ते जी। ओह यू आर वर्किंग टुडे। नमस्ते। नमस्ते। सो वी वर डिस्कसिंग द सिंबोलॉजी ऑफ चित्रकूट एक्चुअली, एंड इन दैट वी हैड डन टू स्टोरीज, वन ऑफ भागीरथी ऑफ ब्रिंगिंग इन गंगा एंड वन ऑफ त्रिशंकु ब्रिंगिंग इन द रिवर कर्मनाशी, एंड वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड द कमंडल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड ओके and we had some interesting discussions also. Last class we did a lot of thoughts from various people, and there were some interesting takes there. So anything that stayed. नमस्ते दीदी। नमस्ते गुड़िया, कहाँ है? हाय, मैं द माय डैड एट द क्लब। क्लब क्लब। या ओके, बिकॉज़ द क्रॉफर्ड सीलिंग। ओके ऑलराइट। सो चीकू, यू वांट टू शेयर फर्स्ट? आई एम रिकॉर्डिंग राइट? आई मिस रिकॉर्डिंग वन क्लास ना। आई विल बी स्केयर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 months। थैंक यू। हमने जो ब्रह्मा जी का कमंडल सबसे पहले चित्रकूट में आने के लिए गंगा जी का होना जरूरी है, तो गंगा जी के लिए ब्रह्मा जी का कमंडल जरूरी है। तो जो हमारा आपने बताया था जो कपाल है वो ब्रह्मा जी का कमंडल है, लेकिन हमारा जो कपाल है वो तो उल्टा है और उसमें तो पूरा सॉलिड है, मिट्टी से भरा हुआ है। और उस कमंडल को पहले, ब्रह्मा जी का कमंडल बनने के लिए पहले पात्रता चाहिए, उसमें गहराई चाहिए। तो वो मिट्टी निकलनी चाहिए, जो वो डिजायर्स हैं, जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं, वो सब निकल हटेंगे तो उसमें धीरे धीरे पात्रता आएगी और फिर वो तरल होगी, जो बुद्धि है वो तरल होगी, एक उसके अंदर जल आएगा। और वो जल का मतलब जो हर चीज में अडेप्ट कर सकते हैं, हर चीज किसी भी चीज को उसी तरह से अडेप्ट कर ले उसकी जैसा हमें मिल रहा है। और उसके बाद उसका निर्मल बुद्धि बनेगी वो, जब हम जो वो जल है वो गंगा जल बनेगा, जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जब हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना शुरू, मतलब हर चीज को समानता से, सम बुद्धि से हम किसी चीज को ले सकेंगे, तो और अपनी ईगो और अपनी डिजायर हट जाएंगी, तो वो एक निर्मल बुद्धि हो जाएगी, तो वो गंगा जल बन जाएगा। और गंगा जल को जब धरती पर आना है तो उसके लिए भागीरथी जी की तपस्या चाहिए। तो वो तपस्या तभी संभव है जब हम अपनी बुद्धि को दूसरों के काम के लिए यूज करेंगे, ना कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज करेंगे। और अगर उस तपस्या के साथ हम अपनी बुद्धि में उस सारे काम, किसी भी काम को करते रहेंगे तो वो निर्मल होके अवतरित होंगी, लेकिन उसके लिए शिव जी की जटाएं भी चाहिए जो उस गंगा जी को धारण कर सके। तो जो आपने आपने कहा था कि शिव जी की जटाओं के बारे में सोचना है, तो मुझे तो सिर्फ यही समझ में आया है अभी तक कि यही समझ पाई हूँ कि जो जटाएं हैं, जो हमारे केश हैं, वो हमारे कर्म हैं। अगर हम जो शिव जी की जो जटाएं हैं वो तो एकदम सारे सत्य कर्म हैं जो हम बिल्कुल निर्मल भाव से करेंगे। अगर निर्मल भाव से करेंगे तो हमारे सारे कर्म सत्य उसमें रहेंगे, सत्य की तरफ ही अग्रसर रहेंगे, तो ही
गंगा जी का अवतरण होगा और भगवान जी हमारे साथ रह पाएंगे क्या? वेरी नाइस, नाइस। नाइस थॉट, नाइस थॉट. थैंक यू सो मच. मृणालिनी, थॉट्स? टू अर्ली इन द मॉर्निंग? No, that was beautifully explained by Ruchika ji, and I'm in admiration of her Hindi. But yes, I think one thing that struck from she summarized the class very well, and you had said ki when you clean your mind, you clean your desire again and again. When the kamandal With the kamandal, you do abhishek of Bhagwan. Bhagwan abhishek priya hai, and do abhishek of your desire, not abhishek with desire. I think that was the key that That stayed with you. stayed. Yeah, Okay. of desire. Excellent. Excellent. Shalini, thoughts? Gudiya? Yes, Didi. So for me, also the first thought that stayed was about the Abhishek, because मतलब शिव जी का अभिषेक जो आपने बताया कि वो एक तरह से डिजायर का अभिषेक है, फैलेस का अभिषेक है. सो बेसिकली यू हैव टू क्लियर योर डिजायर्स, एंड तभी गुरु तत्व, जैसे हम बुद्धि को साफ करेंगे तो गुरु तत्व जगता है, इसीलिए शिव जी को गुरु तत्व से जोड़ते हैं. एंड हम तो उसमें भी डिजायर ढूंढ लेते हैं, जैसे आपने बताया कि जैसे हम लोग भी रुद्राभिषेक करते हैं तो हर बार पंडित जी बोलेंगे इस बार दूध से करेंगे, इस बार इससे करेंगे. सो आई थिंक दैट रियली स्टेड, बिकॉज अभी रिसेंटली आफ्टर माई फादर इन लॉ पास अवे, पंडित जी बोल रहे थे कि करें नहीं करें, बिकॉज रुद्री तो रुद्राभिषेक तो डिजायर से कनेक्टेड है. तो मैंने बोला कि पर हम तो डिजायर के लिए नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतने सालों से कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक है, हम सिर्फ अभिषेक कर रहे हैं. सो दैट जस्ट कनेक्टेड. एंड एक आपने जो बोला था ये बात कि अगर आप वैरागी हैं, अगर आप डिटैच्ड हैं, आपका आपको पाप और पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिजायर नहीं है, तो आप कर्म नाशिनी और गंगा जी दोनों आपके लिए सेम है. वेरी नाइस. सो दैट रियली स्टेड विद मी. और आप जैसे आपने बताया कि भगवान अयोध्या में रहते हैं और भगवान चित्रकूट में रहते हैं, अब अयोध्या में तो यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर ऑल योर 10 इंद्रियाज, ज्ञान इंद्रिया एंड कर्म इंद्रिया, जैसे दशरथ जी हैं. सो आई थॉट मे बी चित्रकूट इज एन इजियर ऑप्शन, मैं तो बट हमेशा एज बोलती बेटा, ज्ञान मार्ग तो बहुत मुश्किल है, भक्ति मार्ग कितना आसान है. पर दीदी चित्रकूट भी तो आपने जिस तरह से समझाया, पहले तो ब्रह्मा जी का कमंडल, उसमें कर्म और वासना तभी जाएगी जब आप ऑफ कोर्स गंगा जी के आएंगे, बट उसके लिए भी जैसे अभी रुचिका जी ने बताया कि डिजायर की मिट्टी हटानी पड़ेगी, फिर उसके बाद संकल्प होना पड़ेगा जो भी डिजायर लेडन नहीं हो, किसी और के लिए हो, और फिर शिव जी की जटा. सो आई थॉट जटा का मे बी आपने जो बोला सोचने के लिए, मुझे लगा कि मे बी द पावर टू टू थिंग्स आई फेल्ट, एक तो टू ब्रेक द ईगो, सो लाइक कैसे गंगा जी एकदम वेग के साथ आती हैं और वो वहाँ पर एकदम रुक जाती हैं. सो एक तो वो थॉट था, और एक थॉट मेरे को लगा कि मे बी टू होल्ड ऑन एंड असिमिलेट ऑल ऑफ दिस विच वी डोंट हैव द पावर. जैसे आपने बोला कि हमारे बाल में पानी डालेंगे तो निकल जाता है, तो मुझे लगा कि मे बी द पावर टू असिमिलेट दिस होल ऑल द नॉलेज ऑफ द रियल नॉलेज एंड द सेल्फलेसनेस. बट अभी लाइक आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स रिसेंटली इन द पास्ट 1 month, विद माई फादर इन लॉ पासिंग अवे एंड माई सिस्टर इन लॉ फॉलिंग रियली सिक. So one thing that I noticed was with me that I can do a lot for others selflessly, and I can like I'm a hard worker, very rajasic by nature, so I think I can do a lot. But I feel somewhere in my heart I do want recognition sometimes, like you know, sometimes I'm disheartened when I don't get it. So this whole thing of losing like being selfless
इज माई वॉट आई एम डूइंग रियली सेल्फलेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे समटाइम्स इफ आई एम एक्सपेक्टिंग यू नो दैट एक्नॉलेजमेंट, देन एम आई रियली सेल्फलेस. सो आई थॉट दैट पाथ वॉज इक्वली डिफिकल्ट, दैट्स ऑल. It's interesting to watch yourself when that desire to be recognized comes up. It's interesting to watch yourself do that. Two things on that subject. One is that, of course, that is a constant job to keep yourself clean of of all kinds of desire, and also do when you're doing something, then do it with the bhav of dan. दान की प्रवृत्ति से कोई भी काम जब हम कर ही रहे हैं दूसरे के लिए, तो उसके लिए एक्सपेक्ट, उसको ट्रांजैक्शन क्यों बनाना, उसको दान ही बना दो, है ना. हम तो अपने बच्चों के लिए भी काम नहीं कर सकते. वी कांट इवन वर्क फॉर आर किड्स विदाउट एक्सपेक्टेशन. We feed them because we have an expectation they will feed us at some point. It's not obvious, but it is there. We take care of them because they will at some point take care of us when we become old and unable to. It's not obvious, but it is there. So it is very interesting to watch that come up and continuously. इसीलिए शिवजी का अभिषेक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यू कंटिन्यूअसली डू अभिषेक. वेयर इज द प्रॉब्लम? भगवान के, भगवान को बाहर नदी में स्थापित कर दो शिवलिंग को, और वहां से ही चलता रहेगा अभिषेक, है ना. या बाहर बिना छत के बिठा दो तो बारिश होगी, अभिषेक होता रहेगा भगवान का. जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने शिव जी का, अपने शिवलिंग का अभिषेक कर लो, क्या दिक्कत है. बाहर थोड़ी जाना है कहीं. When you recognize it, when you understand that this feeling is coming, do a little bit of Abhishek. जो भी आपकी प्रेरणा है, जो जहां भी आपका सर झुकता है, वहां आप प्रार्थना करो कि ये इतना डिजायर भी क्यों छोड़ा हुआ है. काम तो तुमने करवा ही दिया, अब एक्सपेक्टेशन क्यों छोड़ी हुई है, इसको भी निकालो. यहां पर कर्म अटक जाएगा. सो दैट इज वन. सेकेंडली, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, बिकॉज वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ देवी साधना, वेन आर मदर ऑल्सो गेट्स अपसेट. और जो करुणामय भगवान है ना, भगवान में बहुत करुणा है, तो जब इतना वात्सल्य रहता है भगवान में, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे देवी माँ हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, इनमें बहुत वात्सल्य है. वात्सल्य एज इन, व्हाट इज वात्सल्य सोनम? I don't know. I was looking at a chart. I apologize. I don't even know what it is. वात्सल्य इज द इमोशन ऑफ अ मदर, वेयर शी एक्सूड्स लव फॉर अ चाइल्ड, दैट्स वात्सल्य. देर इज सो मच टेंडरनेस, देर इज सो मच लव दैट द डिवाइन हैज फॉर अस, विच एवर शेप ऑफ फॉर्म यू चूज, दैट समटाइम्स बिकॉज, एंड वी आर डूइंग साधना, समटाइम्स इफ वी आर बींग वॉक्ड ऑल ओवर, गॉड विल पुश यू टू रिएक्ट. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम यू, समटाइम्स इट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड. It is coming from up top, or sometimes push you to have a fight, or push you to react, or push you to speak for yourself, or push you to get acknowledged. Because God does not want people to walk all over you. So that also is a possibility when it's not probably, you suddenly feel and you will experience it, you will suddenly feel a wave of ekdam, it is an instant, it will come as a big tsunami, it'll come and it'll just burst, and you're like, okay, I wasn't even thinking about it 10 minutes ago, and what happened here?
And that is really a manifestation of that divine intervening when, you are doing a lot and people are not acknowledged. The material world is not giving you recognition. The goddess will force you to seek it. So those are the two things. If you are having a nagging desire, then do the Abhishek. And sometimes the divine will intervene and will get you to speak up for yourself. So that differentiation you will know because it is basically in your head only, right? It's not outside anywhere. So where it is coming from, only you can decide and you can take the action. हाँ, और जब सेकंड ऑप्शन हो, व्हेन यू आर लाइक बर्स्टिंग आउट, बिकॉज तब तब भगवान को भी बोलना पड़ता, भगवान शांत हो जाओ, देन यू हैव टू टेल योर आराध्य देव आल्सो, गुस्सा मत करो, सारे प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. So what you have to take, what course you have to take, only you can know that inside your intimate heart being. Nobody else can help you there. But those are the two ways that it comes up. Excellent. Niranjan, any thoughts? Beta? Yes, Pranam. The one thing which you had asked us to think about is what you think is the meaning of Shivji's jata. I wasn't sure if it means you need a lot of intellect to keep trying to understand the words of saints, which is what you said is the meaning of Gangaji, or it just means a lot of effort, which is that you have to keep trying hard and hard with the intellect, which is the commendal, to try to grasp the words of Guruji. And yeah, that is the only thing that I wanted to say. Very nice. So, any thoughts? Can you talk or still looking at charts? I'm still kind of in the midst of charts, but I did listen to the sorry, I'm a little bit I did listen to the class again once or twice. Everybody's kind of seems like they've mostly covered most things. The one thing that I guess wasn't really covered that I thought about was how you were saying, because we've obviously talked about the Varnas and all that stuff before, and like the different, like if you're Brahmin or like if you're Kshatriya, then you're not gonna be doing work. You're not gonna be working. Other people are gonna be kind of supporting you in some way, versus like, a Vaishya, they'll have to do most things themselves. Kshatriya does everything themselves, and how that works. And the reason I thought about that is just how, for me, how before I was like not working a lot last year, and now I'm working all the time, and how it's in a constant flux. So it decreases your ability to stay with consciousness, as you're, stuck in the material. Again, it's like being focused on the material. So that was one of the things that like you kind of brought up. I can't remember what the context was. And then the other thing was, let's see if there's anything. Was this, oh yeah, the last class was also the sour grapes, Conrad. How we're kind of always in this state of like looking at things from this kind of, perspective, which is a little bit altered of
sour grapes and not looking at it from, you know, whatever we're given as being accepted exactly as it is. And so those are two things that I don't think other people brought up, but that was something that stayed with me when I listened to it. Excellent. Kushbu, Kuriya, thoughts, beta? Namaste, Didi. Namaste, Ruchi. Didi, my takeaway was that when you said that God will fulfill every desire that you will have, and but we as a sadhak really need to decide that how long it's going to be going on, and when we need to put a stop. And having a guru is a grace, and then the guru will always help you to get rid of the karmas and make you bring you more closer to God. This was my connection for myself. Like, I realized that how it is important to detach yourself, and if I don't take the step towards it, things will be done for me. And you have repeatedly mentioned this in our previous classes also, that agar hum mehnat nahi karenge, jaise aapne ek class mein example diya tha, if you don't leave food, if you don't leave sweets, you will get diabetes and you will be forced to leave it. So similarly, how it is, how the gurus detached and finish your desire, fulfill your desire, and then just go closer to God and continuously do your sadhana. Sadhana will take you there. Will take you there. And this is what I've been feeling this whole week, every moment, every second. बस यही. और हर वक्त जो आप बोलते हैं ना कि बस एक लंबी लाइन खींच लो, अपनी लंबी लाइन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करके रखो. आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड जो आपने गीता क्लास में बोला था, जिसका मीनिंग ये था कि वो उसको पकड़ के रखना, कुछ ऐसा चीज जो, यस, सो वो चीज है आलंबना, कि ये जो बड़ी लाइन खींचनी है ना, अब जैसे वो टारगेट मिल गया, गोल मिल गया, कि एक बस लंबी लाइन पे फोकस रखो. लेफ्ट राइट अप डाउन जो होता है होने दो, लेट जस्ट लीव इट टू गॉड. अपना फोकस तन मन धन से, हाथों से, पैरों से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, हर वक्त फोकस सिर्फ लंबी लाइन पे रखो. सो दैट वॉज माई बिगेस्ट टेक अवे. That's a very good one to take away. Excellent. Thank you so much. All right. Any questions? Okay. So far we have discussed Brahma Ji ka commander. Ab Chitrakoot ke discussion mein, Chitrakoot wahan jahan Ganga behti hai. चित्रकूट मतलब चित मन, और गंगा मतलब गंगा वो जो किसी के भी पापों को नाश कर दे, है ना. व्हाट इज गंगा? गंगा इज अ रिवर दैट क्लेंजेस ऑल आर बैड कर्मास, बैड डीड्स. सो क्या इस चित्त में, इन दिस चित्ता व्हाट इज द गंगा दैट कैन कंटिन्यू टू फ्लो दैट विल क्लेंज अस ऑफ ऑल आर पाप कर्म? और कौन सी गंगा है? गुरु की वाणी की गंगा, कथा की गंगा, साधना की गंगा, या what is Ganga? It comes in these three forms. Katha chalti rahe to Ganga chalti rahegi. Agar Guruvani chalti rahe to Ganga chalti rahegi, behti rehni chahiye. Sadhana chalti rahe to Ganga behti rahegi.
और पाप धुलते रहेंगे कि नहीं धुलते रहेंगे? पाप धुल जाएंगे, लगातार पाप धुलेंगे। तो चित्रकूट वो चित्ता और गंगा वो जो पाप धोए। और गंगा कहाँ से बनती है ये हमने, वी हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस, इस चर्चा का हमने उद्गम किया था ब्रह्मा जी के कमंडल से। वी स्टार्टेड इट फ्रॉम द कमंडल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्म ब्रह्म के कमंडल से, हमारे दिमाग से, हमारे मन से, हमारे संस्कारों से ये पैदा होती है। और कब पैदा होती है? जब संस्कार, दिमाग, बुद्धि, वी क्लीन इट अप, व्हेन इट बिकम्स क्लियर लाइक वाटर, यानी कि वाटर की एक ही क्वालिटी है कि उसमें जो भी डालो वो उसमें मिल जाता है। तो पहले तो उसको साफ करना पड़ेगा। अब सब सबका क्वेश्चन ये होता है कि हम जब इतने साफ हो जाएंगे तो जब दुनिया इसमें बसेगी तो हम दोबारा मैले हो जाएंगे, वी विल बिकम डर्टी अगेन, राइट? पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ अस एंड पीपल डू समटाइम्स, दे गेट अवे विद इट, है ना? तो ये बड़ा क्वेश्चन है। बट अगर निर्मल नहीं होगा, अगर क्लीन नहीं होगा, तो चरणामृत भी नहीं मिलने वाला। इफ यू आर नॉट एट दैट स्टेज वेयर यू हैव वॉटर इन योर कमंडल, क्लीन क्लियर वॉटर इन योर कमंडल, तो वो चरणामृत नहीं बनने वाला। सो चित्त में मंदाकिनी बहे, इसके लिए ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लिया और जल से भगवान के पांव के नाखून का नेल का अभिषेक किया। इस छोटी बुद्धि में बाकी तो कुछ आया नहीं, इतना समझ में आया हमें, इतना। ये भी नाखून भी बड़ा हो गया क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कमंडल था। हमारी बुद्धि में एक छोटा सा कण ही आएगा, इट विल बी मच स्मॉलर, वेरी स्मॉल स्पेक ऑफ डिवाइन इन्फ्यूज्ड इन दैट क्लीन क्लियर वॉटर दैट यू कलेक्टेड इन योर ब्रह्म। साफ करने का तरीका दो, उसको साफ करने के क्या तरीके हैं? एक तो अनुराग, हमने इसकी चर्चा, वी हैड डिस्कस्ड अनुराग एक्सटेंसिवली इन दिस क्लास ओनली आई थिंक, है ना? एक्सटेंसिवली वी डिस्कस्ड अनुराग। एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज अनुराग? दीदी, बिना डिजायर का अटैचमेंट जो भगवान के साथ हम करते हैं या गुरु के साथ। भगवान के साथ भी कभी कभी अनुराग नहीं होता, मगर वो अटैचमेंट जो बिना डिजायर के हो उसको अनुराग बोलते हैं। प्यार जिसमें हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कभी कभी पेरेंट्स या चिल्ड्रन में ऐसा कभी कभी एक्सपेक्ट आता है उसमें अनुराग का, इट्स नॉट ऑलवेज देयर, बट स्मॉल स्पेक, वंस इन अ वाइल यू विल फाइंड दैट यू डीपली फाइंड योर सेल्फ डीपली कनेक्टेड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एंड एनी डिजायर, मलिंग इट, सलिंग इट। सो एक वो जल बनाने के लिए, टू मेक इट वॉटर, क्लीन क्लियर वॉटर, फर्स्ट इज अनुराग एंड द अदर इज विवेक। We discussed this extensively in another class where we talked about curious mind, and it I think filtered over in this class also. But what is curious mind? Vivek, जब आपको सच जानने की इच्छा हो,
not how can I make more money? What course should I do so that I can get more money? What should I do so that I get more compliments? What should I do so that this is basically our search for knowledge. When the search also rises above the desire and love also rises above desire, then your water becomes absolutely clean. Does that make sense? Everybody with me? Unblemished love, unblemished desire to know, seek knowledge. And with that head and heart, you're able to connect to the divine, small speck of the divine. Then Ganga happens. That manifests, that union manifests Ganga. On one side, there has to be Anurag and Vivek. And on the other side, the divine, when they meet in this kamandal, then Ganga takes shape and form. But it is not a river. Ye katha, ye sadhana, ye pyar, ye knowledge. Aapne kamandal mein ikhatti kar di. Par abhi beh nahi rahi hai. It is not flowing. Many times when you guys, I usually make it a point, everybody gets to speak in the class to your, whether you like it or you don't like it. Sometimes it can be a great burden and sometimes it can be a great, great blessing. Either way, when you're called upon to speak, not everybody can articulate everything in accordance to what they heard. Yes, we did a revision, but was it 100% of the class? Maybe you hit 10%, maybe you hit 20%, maybe you're doing highlights. What you can take from the class, you cannot take from the revision. If you come unprepared to the class and you can make an excuse, I didn't revise, and listen to the revision, will it play back the whole class for you? So, iske behne mein dikkat hai. क्या दिक्कत है? You received everything, and I चलो चरणामृत भी हो गया, गंगा भी कमंडल में आ गई, कमंडल में आ भी गई, उसके बाद उसके बहने में दिक्कत है. Sorry about the construction. After the kamandal, of course, Bhagirathi ki prarthana. Okay. Let's not forget Bhagirathi ki prarthana. Bhagirathi did sadhana. He wanted this Ganga, which is in the kamandal, to come out.
Hopefully they've done the drilling. So तो अभी गंगा बही नहीं है, गंगा तब बहेगी जब किसी के लिए किसी की प्रार्थना पे गंगा जी कमंडल से चलेंगी। गंगा जी हैज टू डिपार्ट फ्रॉम द कमंडल मैनिफेस्ट। I'll have to change places. Sorry, just keep going. There is noise downstairs also, outside. We'll see, we'll find a place. Hey. Let's try outside. Can you guys hear me? Okay. So, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलना पड़ेगा, यानी कि जो भी चीज, जो भी चरणामृत आपने अपने कमंडल में भरा है, वॉट एवर गुड, वॉट एवर ब्यूटिफुल यू नो, यू हैव टू पास इट ऑन. अब पास इट ऑन टू हू? And when both things are important. And we've discussed this extensively in you remember I did a Yogacharya class. Shalini was there. Yogacharya class में हमने पात्रता पात्रता eligibility of who should you give to? What is the eligibility for a person who can receive? We talked about it extensively. And when should you give? Should you give unsolicited advice? Ever? So, over here, Bhagirathi is when. When should you give? When there is a request to receive. Not for a personal gain. I'll say that again. When there is a request to receive, not for a personal gain. Not like Trishanku, मुझे स्वर्ग चाहिए. तो संत के पास कोई आता है
और बोलता है मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और संत अगर उसको सत्संग दे दे तो वो जल तो है मगर वो पाप धोने का काम नहीं करेगा, गंगा का काम नहीं करेगा। ठीक। सो व्हेन डज गंगा डिपार्ट फ्रॉम द कमंडल? एट द बिहेस्ट ऑफ भागीरथी। भागीरथी कम्स टू इट विद अ काइंड नोबल कॉज विच इज नॉट सेल्फिश। और एट द बिहेस्ट ऑफ भागीरथी गंगा जी केम, बट भागीरथी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड। फिर हम सुनते हैं कहानी में, कहानी ऐसे चलती है कि भागीरथी ने, राजा भागीरथी ने दोबारा साधना की। ही प्रेड ओवर अगेन। पहले ब्रह्मा जी की साधना की, बुद्धि की साधना की, फिर गंगा जी की साधना की, बुद्धि निर्मल करी और निर्मल बुद्धि में चरणामृत भरा, और फिर उसके बाद शंकर भगवान की साधना की। ये कहानी है। तो गंगा जी आपके कमंडल में आ भी गई तो उनको निकलने के लिए भागीरथी की प्रार्थना चाहिए। रीजन वाई गंगा शुड डिपार्ट। पर डिपार्ट करके भी भागीरथी उनको संभालने में सक्षम नहीं है। डिपार्ट करके भी ब्रह्म से जब नदी उतरती है तो कहाँ जाए? शिवजी की जटाओं में जाए। और शिवजी की जटा कौन सी जटा है जिसमें से कुछ निकले ना बाहर? जैसी है वैसी की वैसी ही और पूरी समा जाए। किसने बोला था ये? शायद मृणाल ने और शालिनी, हम इतना ही पोर्शन ग्रहण कर सकते हैं, पर पात्रता क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी इज दैट शिवजी की जटा हो। शिवजी की जटा मतलब जिसमें जो कहा जा रहा है वो 110% पूरा का पूरा समा जाए अंदर। और जहां जहां ये गंगा रहती है इसके इसको निकालने का तरीका हर बार यही है। जब कमंडल में थी तो भागीरथी ने प्रार्थना करी तो कमंडल से गंगा जी बाहर निकली। जब राम कथा की गंगा भगवान शंकर के मन में थी तो देवी माँ ने प्रार्थना करी। शिव प्रेट जगत के कल्याण के लिए आप इसको बहाइए। तो जहां जहां और जब भी गंगा स्वरूप कुछ भी रहता है, साधना हो, कथा हो, जब भी इस नॉलेज का एक्सेस कहीं रहता है, ये नॉलेज ट्रांसफर तभी होती है जब लोक कल्याण के लिए बिना किसी सेल्फिश मोटिव से श्रद्धा के साथ इसका अनुसरण किया जाए या इसको इन्वोक किया जाए।
भागीरथी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, टू हैव सेल्फलेस मोटिव्स एंड साधना. साधना फॉर व्हाट? साधना फॉर लॉर्ड शंकर. लॉर्ड शंकर, व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? ही रिप्रेजेंट्स अ स्पेस विच इज कंप्लीटली सॉलिड, नॉट परफोरेटेड लाइक आर हेड्स. 100 गोज इन एंड 98 गोज आउट. हंड्रेड परसेंट इज कैप्चर्ड. तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के दोहे में लिखा कि शंकर भगवान जो विश्वास का स्वरूप है, दृढ़ विश्वास, व्हेन यू हैव टोटल फेथ इन व्हाट यू आर बीइंग, व्हाट यू आर बीइंग गिवन, देन ओनली यू कैन रिसीव इट 100%. ज्ञान और विश्वास स्वरूप शंकर भगवान. निर्मल बुद्धि कमंडल का जल ब्रह्मलोक में ही चल सकता है. दुनिया में आने के लिए इसको क्या चाहिए? दृढ़ विश्वास, फेथ. दोबारा बोलू? यू अंडरस्टैंड? आई होप द आयरनी इज नॉट लॉस्ट ऑन यू. गंगा जल कमंडल में ब्रह्मलोक में ही एग्जिस्ट कर सकता है. तो जब हम बात करते हैं ना, क्वेश्चन करते, इतनी निर्मल बुद्धि हो जाएगी तो लोग एडवांटेज एडवांटेज उठा लेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मलोक में एग्जिस्ट कर सकता है. जब संसार में उतरे तो निर्मल बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ विश्वास बहुत जरूरी, फेथ. बिकॉज एवरी सेकेंड पर्सन इज गोना टेल यू आर रॉन्ग, यू आर मिसगाइडेड, यू आर कंप्लीटली हैलूसिनेटिंग, यू आर गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ, यू बिकम ऑब्सेसिव, यू बिकम वियर्ड, यू विल हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू. एंड द ओनली वे टू होल्ड ऑन टू दिस गंगा जल इज टू हैव दृढ़ विश्वास लाइक लॉर्ड शिवा. सो मंदाकिनी के बहने के लिए ब्रह्मा जी का कमंडल, नारायण का चरण, भागीरथी की पूजा तपस्या, और एक बार पूजा तपस्या नहीं, लगातार तपस्या, पूरी जिंदगी की तपस्या, और शंकर जी की जटा. के जो निर्मल पानी आ रहा है ऊपर से, एक तो उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी, पहली. कैसे बनती है कैपेबिलिटी होल्ड करने की? विश्वास के साथ, विद फेथ. दूसरा, सेकंड, अगर ये जो विश्वास का पात्र है, पात्री बोलते हैं ना, विश्वास, वेसल, द वेसल ऑफ फेथ, इफ इट इज मलाइंड इन एनी विच वे, अगर इसमें मिट्टी है, अगर इसमें रंग है, तो गंगा जल मटमैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, रंग आ जाएगा उसमें. तो विश्वास भी होना चाहिए और वेसल ऐसा होना चाहिए बिल्कुल स्टील का, पत्थर का, और कोई इसमें कोई चीज मिल ना सके, मिट्टी की भी खुशबू ना आए इसमें, बिल्कुल पत्थर बना दो. चीकू, समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रही है, मतलब कैसे पत्थर बना दो, मतलब कि जो हिल ना सके, जो डगमगाए ना कभी, तो बिल्कुल ना, ना जिसका जैसा दृढ़ अगर गुरु ने बोला है कि तुम पेड़ से बंधे रहो,
जब तक मैं नहीं आता तो वैराग्यवती ने उसको विश्वास कौन सा दिया, पत्थर का विश्वास दिया, एक पत्थर का वैसे लेवल। और निरंजन ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा कि गुरु तो आम आदमी है, उससे भी गलती हो सकती है, अब ये कौन सा वेसल है? विश्वास नहीं है जिसमें, कम विश्वास बात कभी। समझ में आई? हम कभी कभी अपने लिए जो सहूलियत होती है, वॉट एवर इज इजी फॉर अस, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर अस, वी पिक अप ओनली दोज थिंग्स, वी लीव द रेस्ट। वट एवर वी कैन इम्प्लीमेंट, वी पिक अप ओनली दोज थिंग्स। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड अस? वेन यू रीड शिव पुराण, नो बडी कैन हैव मोर डिजायर देन लॉर्ड शिवा। डिजायर ऑल्सो फॉर द राइट थिंग एंड नो बडी कैन हैव अ वेसल लाइक लॉर्ड शिव। हिला नहीं सकते आप भगवान, है ना? रावण ने बड़ी कोशिश की पर्वत हिल जाए थोड़ा सा, करी ना उसने, कहानी है, एक कहानी है। सो जो भी निर्मल चित्त से, भगवान के दर्शन से, गुरु की वाणी से, हमारे शास्त्र से, कहीं से भी हमें गंगा जल मिल रहा है, किसी की प्रेरणा से, किसी ना किसी ने तो गंगा जल बनाई होगी ना। हमारे इतने सारे वेद हैं, इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने संत हैं, इतने लोगों ने लिखा, तो गंगा तो बहुत सारी है अवेलेबल। क्या अवेलेबल नहीं है? ये वाला शंकर जी की जटा अवेलेबल नहीं है। किसी ना किसी की प्रेरणा से। अब देखो पूरे देश में कितनी भागवत कथा होती है, कितनी रामायण कथा होती है, कोई कमी थोड़ी है। कितने साधु हैं, कितने संत हैं, हर कोई बोलता रहता है, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। चाहे सही बोले चाहे गलत बोले, विश्वास है कि नहीं है? सो शंकर जी की जटा मतलब दृढ़ विश्वास, विवेक और विश्वास, ऐसा जैसा भगवान शंकर का। डिजायर तो छोटी रह जाती है ना उसके बाद। सो राम नाम की गंगा ब्रह्म लोक से निकली, भगवान के चरण से निकली, राम जी ने बोला कि राम नाम लो, हनुमान जी ने बोला कि राम नाम, है निकली निकली, और हमारे सर पे पहुंचते पहुंचते सारी नीचे बह गई, अंदर घुसी, अंदर घुसी नहीं, विश्वास नहीं है। मैंने एक क्लास में असाइनमेंट दिया था, अपने भगवान तो सोच लो, डिसाइड कर लो, सबने डिसाइड कर लिया? डिसाइडेड है, पक्का लॉक कर दिया जाए? बताएं किसने क्या क्या सोचा? सोनल क्या सोचा? गुड़िया
I knew you were going to ask me first. For many years, for me, it was Shiva. And then I was like, oh, I'm not eligible for Shiva yet. Okay. Then for a long time, it was Devi. And I was like, man, there's. And then a couple years ago, I think you mentioned that Vishnu was my Ishta Devata. And since thinking about that and feeling into that, like Krishna has been very present with me. Obviously, we've been doing the Gita for many years, but then I was just thinking about even my family. Obviously, I'm Gujarati, and like my family is very, as Vaishnav, is like very Krishna. My mom is, my whole family is very Krishna oriented, and Gita was the first text that I ever read. And so he sits with me a lot. Like, I mean, he's there with me whenever I think about being in extreme faith, if things are hard. Like, I feel like I always come back to the fact that I feel that he is taking anything that's not meant for me away from me, and also helping me to keep coming back to devotion. So, excellent. So, yeah. Excellent. Shalini? Ji. So for me, कुछ clarity है? हाँ दीदी, तो आपको तो पता है कि it's always been Shivji, but lately I've been feeling a very very deep connect with Devi Ma also, and you always say ki Shivji and Devi Ma are not separate, so it's basically two of them together that I really actually feel. And Lalita Ma, especially since I've started doing, I've been doing Lalita Sahasranam since I met you, but it's increased, and the connection also I feel when I go to the temples, Devi temples. So it's just. Chiku, clarity aayi? Sorry, question to aayi. सेम ऐसी पहले तो शिव जी सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, अभी भी लगते हैं, लेकिन जब से ललिता सहस्त्रनाम करने लगी, ललिता माँ के साथ कनेक्शन बनना शुरू हुआ, तो ऐसा लगता है कि अब माँ का साथ है, अब कोई डर की बात नहीं है, और वो अपने पूरे हाथों में सारे अंकुश और पाश के साथ सारा संभाले हुए हैं, तो अब मतलब छोड़ भी आए उनके ऊपर, अब और इधर उधर भटकता नहीं है. Mrinalini, thoughts? Yeah, it's an interesting question, because from before we met, I don't think I had any one deity or god, but then I think Devi was very predominant. Everything was in my conversation. When you talk of an almighty, it was always she. Interestingly, when I started attending Sri Ramcharitmanas, it became Sri Ram. It was very easy for me to have Sri Ram Jap through, and I've shared this with you, to constantly have that, which is interesting because Narayan is the sustainer, right? You need to sustain a thought. And I'm like, ab main sab Ram Ram hi bolti hu, Devi kahan gayi hai? So wo jo vishwas hai ki, and then I think, are you know, yeah, I still don't know. I don't think I know. It's a very interesting conversation, like with yourself, not with anybody else, just with yourself. It's a very interesting conversation to have. Like, okay, definitely not agnostic, not an atheist. Definitely a believer, but even then, like, is there something that I resonate with more than anything else? Does that exist? Do I even give it enough attention, or it's just like, oh, I have a group of friends? Like, do I even have a special connection with one particular shape or form? So it's an interesting discussion with yourself, and it's an evolving question. As you continue to do your sadhana,
It will continue to transform. As you continue to do philosophy also, it will continue to transform. We have, jaise we heard the story of Kak Bhushandi ji, right? Like Kak Bhushandi ji started, he was born in Ayodhya, went to Ujjain, became a Shaivite, and then was cursed by Lord Shiva, and then became this great devotee of Lord Ram. So if you do not have one singular shape or form that you are able to connect to today, there's no harm done in that. If it changes, don't beat yourself up about that. Yeah. And if you still don't have one, that is also fine. It will slowly evolve. When the Vishwas becomes stronger and stronger, it will evolve. All right. So I think it's been a long class. I'll let you guys go. I'm sorry about the disturbance. Hopefully we'll be able to have a class without too much noise next time. That's the message. Okay. Have a nice week. I'll see you next week. And we'll take this Chitrakoot journey a little bit further. Yeah. You have a question, Monica? You have any thoughts from last class? Yeah, this whole Chitrakoot thing which you had said, and how the Buddhi, can you hear me, Didi? Yeah, there's too much noise here. You just have to speak louder. Sorry. So this whole thing about Chitrakoot and how, you know, the mind works like the vessel, the commandal, as you had put it, and how, so I was dwelling on that, and I was like, if we, the quest of finding our own Chitrakoot, if that gets fulfilled. And you know that whole story which you're narrating, and then the fact that, you know, how the Ganga actually starts flowing, wo release hai, wo kaise. So that is, you know, it's given a lot of food for thought, maybe. And you've, I mean, Chaturmas se lekar pichli baar ki Chitrakoot wali journey aur aaj ki discussion, matlab it's like flowing so beautifully. It's like the Ganga only. It's like coming to us, all this knowledge and this beauty and this, you know, it's like Nirmal and it's like so pure, and every word, it's such a beautiful, it's just mesmerizing. I'm like really enjoying it. I don't know what to say. It's so beautiful. And thank you for enabling this to flow to us in whichever shapes. Thank you so much. Always welcome. All right, guys. Thank you for sharing. Have a nice week. I'll see you next week. Namaste.